श्रीनगर गढ़वाल को एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान श्रीनगर और इसके पास खुलने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने श्रीनगर में राजकीय पैरा मेडिकल कॉलेज और राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके उपरांत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के आदेश जारी किए, जिसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भूमि चयन से लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने में जुटा हुआ है। अब तक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही पैरा मेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं, जिसके लिए अभी वर्तमान में कोई अलग से भवन मौजूद नहीं है, जिससे काम चलाओ व्यवस्था में ही पैरा मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। लिहाजा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जीविके की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है और इसी तरह से राजकीय नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया में मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सर, मेडिकल का और नर्सिंग कॉलेज का ना ऑलरेडी जो है प्रस्ताव है, जिसमें जो है माननीय हमारे उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी उसमें घोषणा कर दी है, तो जल्दी जो है इसका जो है हमारी जमीन भी हमने ऑक्यूपाई कर ली है। मेडिकल के लिए तो जो है ये है हमारी जो जीविके की जमीन जो ऑक्यूपाई हुई थी 6 एकड़ जो है 6 हेक्टेयर। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी जो है एक विजिट हो चुकी है जो हमारा घर जी। नहीं, पैरामेडिकल तो हमारे यहाँ क्लासेस हो रही हैं। पैरामेडिकल के तो हमारे पास 90 बच्चे 99 बच्चे पर ईयर आ रहे हैं। 3 तरह के कोर्स हैं, BMLT, BMRIT और BOOT। नर्सिंग के तो जैसे सारे कॉलेज में पैरामीटर है, 40 से 60 बच्चे बी एस सी